बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। जहानाबाद में एक ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने गुरु और शिष्या के रिश्ते को शर्मसार किया है। जिस बच्ची को वो पढ़ाने घर जाता था उसी बच्ची को लेकर महीनों फरार रहा और पुलिस अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन इस मामले के साथ जहानाबाद में इस रिश्ते को शर्मसार होने के साथ ही कई तरह की चर्चा है और लोग पूछ रहे हैं कि अब किस पे भरोसा करें, किस पे विश्वास करें, जब होम ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक भी अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। क्या है पूरा मामला हम जानते हैं अजीत कुमार से। सर बताइए किस तरीके से ये घटना पूरा घटित हुआ है, क्या मामला प्रकाश में आया है, क्या है जानकारी इसको लेकर। देखिए सबसे पहले तो ये गुरु शिष्या के जो रिश्ता होता है उसको ये दिलीप जो आरोपी शिक्षक है उसका नाम दिलीप उर्फ दीपक है और ये उस रिश्ते को तार तार कर दिया है। लगभग 2-2.5 महीना से ये लेकर अपने 12 वर्षीय, सबसे बड़ा बात इसमें ये है कि वो जो लड़की जिसको लेकर ये बहला फुसलाकर जो फरार हो गया था, ये उस लड़की की उम्र जो है वो 12 साल बस, और उस लड़की को बहला फुसलाकर ये जो है वो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर में रह रहा था पिछले 2-2.5 महीनों से। हालांकि जैसे ही घर से लड़की गायब हुई तो उसकी माँ ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। प्राथमिकी दर्ज के आधार पर पुलिस जो है उसका लोकेशन एरिया ट्रैक जो पुलिस का अपना जो सूत्र होते हैं उसके तहत उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। जैसे ही पुलिस को ये पता चली कि ये जो शिक्षक है और जो छात्र है उसका ट्रैक जो है वो लखनऊ में मिल रहा है, तो पुलिस के नगर कोतवाल के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और वो टीम को लखनऊ भेजा गया जहाँ से वो आरोपी शिक्षक है दिलीप उर्फ दीपक और वो जो लड़की है 12 वर्ष की जिसको वो होम ट्यूशन पढ़ाता था घर में जाकर उसको पढ़ाता था। उसकी माँ ने आरोप लगाया है कि जो मास्टर पढ़ाने आता था घर में वो मेरी बेटी को बहला फुसलाकर जो है वो लेकर भाग गया है। कहाँ लेकर भाग गया है ये शुरुआत दौर में उसकी माँ को भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही पुलिस को ये पता चली कि वो लोग लखनऊ में है तो एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहानाबाद नगर थाने की पुलिस ने लखनऊ के चारों तरफ मतलब लखनऊ शहर के जो मेन मेन जगहों पे है हाँ वो वहाँ एक होर्डिंग लगाया और होर्डिंग में उन्होंने वो जो शिक्षक है आरोपी शिक्षक और लड़की की तस्वीर जो है वो जगह जगह पोस्टर के रूप में लगाया और उसमें उन्होंने नगर थाना का कॉन्टेक्ट नंबर या फिर और भी जो जरूरी सूचनाएं जो है वो कई नंबरों छोड़ा गया और ये बताया गया लोगों के लिए संदेश दिया गया कि जो भी लोग इन लोगों के बारे में जानते हैं वो तुरंत नगर थाना जहानाबाद बिहार की पुलिस को सूचना दे। हालांकि पुलिस को इसमें कामयाबी मिली है, पुलिस जो है वो बीते देर रात नगर थाना की पुलिस जो है वो दोनों को गिरफ्तार कर ले आई है, लड़की से पूछताछ की जा रही है, लड़की की माँ भी आई थी उससे भी हमारी बातचीत हुई है। सबसे बड़ी बात है कि लड़की की जो माँ है उसका कहना है कि जब घर में होम ट्यूटर पढ़ाने आए जहाँ बच्चियों को बाहर नहीं भेजते हैं समझते हैं कि घर में वो सुरक्षित हैं, ये जो उम्र है दोनों का जो छात्रा है और जो गुरु है शिक्षक है दोनों की उम्र में भी काफी अंतर है, तो हमें लड़की की माँ बता रही है कि हमें जरा सा भी ऐसी कोई सूचना या इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि ऐसी घटना को भी अंजाम दिया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद जो है वो लड़की की माँ यहाँ तक कह रही है कि अब शिक्षक शब्द से हमें नफरत हो रही है और शिक्षकों पर से भरोसा उठ गया है। अजीत जी आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये बेशर्मी की हद है, महज 12 साल की उम्र में जहाँ शिक्षक को पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है और वो लेकर लड़की को फरार हो जाता है। बेशर्मी ही नहीं ये समझिए कि ये बहुत बड़ा अपराध है, बेशर्मी की हदें और एक शिक्षक नहीं ये एक शिक्षक के द्वारा एक बहुत ही घिनौना अपराध किया गया है और तभी लड़की की माँ की ये पीड़ा है कि इसे हम मैंने चाहते हैं कि न्यायालय जहानाबाद व्यवहार न्यायालय के द्वारा इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ऐसे जो भी घिनौने कार्य में संलिप्त है या जो सोच रहे हैं वो करने से पहले 10 बार ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले सोचे और कानून का भय हो डर हो ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न घट सके। अजीत जी हम और जानना चाहेंगे कि लड़की को बहला फुसला कर ले जाया गया या फिर जबरन लेकर चला गया, क्योंकि पुलिस जांच के दरमियान पूछताछ में बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं होगी। नहीं देखिए जबरन ले जाने वाली बात अभी तक कहीं से संज्ञान में नहीं आया है, लड़की की माँ भी यही कह रही है कि उस लड़की को जो है वो बहला फुसलाकर, क्योंकि देखिए 12 वर्ष की जो लड़की है वो स्वाभाविक बात है उसे देश दुनिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती, बहुत ही अबोध होती है, नाबालिग है, उसे बहुत वास्तविकता की जानकारी नहीं है।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो शिक्षक क्या प्रलोभन देके लेके गया, हो सकता है बड़े शहर घुमाने के प्रलोभन देके गया, वहां ले जाकर, जहां तक ये बात है कि लड़की की माँ अभी भी ये कह रही है कि ये निश्चित रूप से वो शिक्षक के द्वारा जो है वो उसकी बेटी के साथ गलत काम किया गया है, ये आरोप लगा रही है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये कितनी सत्यता है इस बात में। अब वो तो पुलिस का पार्ट है कि उस लड़की का मेडिकल वगैरह करवाया जाएगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि वो जो आरोपी दोषी शिक्षक है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लखनऊ से लाई है, और लखनऊ से लाने के बाद यहाँ पुलिस जो है वो हिरासत में रखने के बाद उसे अब जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इसमें किन किन धाराओं में जो है FIR दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा, क्या कार्रवाई लगता है, क्या हो सकता है इसमें? देखिए घिनौना ही मैंने बहुत ही शर्मनाक घटना कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि ये नाबालिग लड़की है जिसको भगा कर वो लेके जाता है, और उसके साथ गलत कार्य करने की अगर पुष्टि हो जाती है तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वो पॉक्सो एक्ट, जो कि अभी तक का इस तरह का बहुत ही संगीन धारा माना जाता है, निश्चित रूप से वो पॉक्सो एक्ट में केस होगा। तो ये पुलिस का पार्ट है कि अब वो उस पर जो है वो क्या करता है, मेडिकल जांच में क्या निकल कर आती है। लेकिन अगर हम मानवता इंसानियत के रिश्तों की बात करें तो ये अब एक शिक्षक और शिष्या के रिश्ता जो होता है वो बड़ा ही पवित्र रिश्ता माना जाता है, और जहां इस रिश्ते में इस तरह की बात आती हो तो स्वाभाविक बात है कि ये सुनने के बाद बड़ा लोगों का जो है वो मने कहते ना है कि हिल जाता है लोग इस तरह की, कि जहां घर में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, तभी जो है वो सब लोग माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़े, बाहर नहीं जाए, कोचिंग में नहीं जाए, क्योंकि वो बाहर का माहौल से वो चाहता है कि घर में ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन जब घर में बेटियां इस तरह की बात होती है और शिक्षक द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो मैं भी ये निश्चित रूप से कहूंगा कि ऐसे शिक्षकों पे निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, आप समय निकाले। तो अजीत जी बता रहे थे जैसा कि 2-2.5 महीने तक लड़की को लेकर लखनऊ शहर में रहा और वो लेकर गया था अपने शिष्या को जिसे घर में पढ़ाने के लिए जाते थे, और लड़की की माँ का साथ कहना है कि अब हमें शिक्षक शब्द से शर्म लगता है, हम उससे परहेज करना चाहते हैं। क्यों न करें कोई माँ, क्योंकि जिसे शिक्षक बनाकर घर बुलाया था वो एक जघन्य अपराध में लिप्त हो गया। वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया। हम भी यह चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इसमें जांच कर कठोर से कठोर न्यायालय के द्वारा सजा दिलाने में कामयाब हो। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले को लेकर, इस शिक्षक और शिष्या का जो रिश्ता शर्मसार हुआ है इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।